जयराज जी, क्या हुआ? कहाँ थे आप? वो हम दिया जी साहब से मिलने गए थे। दिया जी से मिलने? ऐसा क्या हो गया जो आपको दिया जी से मिलने की जरूरत पड़ गई? और तारा और मृत्युंजय कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आए वो? दरगाह में मत्था टेक के तो कब का हो गया होगा? आपकी बात हुई उनसे फोन पर? वो शहर से बाहर एकांत में हैं दोनों, पहुंच करने दीजिए। हैं हम पिछले 25 साल से मंगलगढ़ जा रहे हैं, हमें तो वहां पे कोई जगह नहीं दिखी जहां पे मौज करी जाए या घुमा फिरा जाए। उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? हेलो, गाड़ी ठीक से बन गई? हाँ जी, कब की। ये लोग स्टार्ट करके देख लो, आधी चाबी घुमाते ही फड़फड़ा उठेगी। 5,000 हो गए हैं। 5,000? देखिए, हमारे पास 5,000 नहीं। आप एक काम कीजिए कि कान की बूंदे ले लीजिए। हम इसके बारे में बात कर चुके, तुम अपना कोई भी गहना नहीं बेचो। नहीं भाई, हमें इनके बूंदे नहीं चाहिए, हमें तो आपकी ये चाहिए जो आपने अपने जैकेट पे लगा रखा है, ये भी तो काफी कीमती है। अरे, ये तो 5,000 से ज्यादा का है। मुझे तो बस वही चाहिए। नहीं तो जाकर आप पैसे का इंतजाम कीजिए, और जब पैसे आ जाएं तो आकर गाड़ी ले जाइएगा। ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? पहले भी पानी के लिए अपनी घड़ी बेच चुके हैं आप, और फिर ये? चलो। आए हाय बबन, तेरी तकदीर तो चमक गई रे। सुनो, राधा को आगे बैठने दे, उसे चोट लगी, आगे बैठेगी तो धक्के भी कम लगेंगे ना उसे। हाँ, आप ठीक कह रहे, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। और सुनिए सुनिए, बाबा तो आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप तो हमें बता सकते थे। कितने साल बाद देखा है हम आपको, वो भी ऐसे हाल। सब कैसे समझ में नहीं आ रहा, इतने साल से नाराज थे वो तुमसे, पर उनके अंतिम समय में
तुम ही उनके साथ थे। राधा के जिंदा होने की बात इसे भी बताना ठीक नहीं। वकील साहब की मौत के बाद तो डर लगता है कि किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। बाबा ये आवाज कैसे आ रही है? कहीं रास्ते में गाड़ी फिर से खराब ना हो जाए। किसी भी तरह घर जल्दी पहुंचना है। पता नहीं घर पे क्या हाल होगा अभी। मैम के लिए शुक्रिया दीदी साहब, अगर आप गाड़ी न रोके होते तो हमारी जान ही निकल जानी थी। शुक्रिया दीदी साहब, शुक्रिया दीदी साहब, शुक्रिया, रहम के लिए शुक्रिया दीदी साहब। शट अप, शट अप। तुम पर रहम खा के नहीं रोकी है मैंने गाड़ी, हवा निकल गई है पहिए की। जाओ हाथ खोलो उसके, ताकि पता करके आओ आसपास कोई गैराज वगैरह है कि नहीं। जल्दी जाओ ना। अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया, इस वक्त तीनों मेरी मुट्ठी में होते। दिल तो करता है जलता हुआ सरिया उतार दूं तुम लोगों के अंदर। न जाने क्या क्या बता दिया होगा राधा ने मृत्युंजय को अब तक। पर क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, आवाज तो इंजन के पास से आ रही है। पर अभी तो गाड़ी ठीक करवाई है, फिर से खराब। अभी होना था ये सब। इससे पहले कि गाड़ी और रास्ते में खराब हो जाए मैं उतर के चेक कर लेता हूँ। इंजन में बस टहनी फंस गई होगी, बॉनेट खोल के देख लेता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे अपना फोन तो दे दो, जब तक तुम गाड़ी चेक करोगे मैं बाबा से बात कर लूंगी। दीदी साहब आगे बोल पर एक गैरेज है। अकेले है ना? कोई आसपास तो नहीं है ना? नहीं। एक बात बतानी थी आपको। हाँ बोलो बेटा। एक अच्छी खबर है, राधा में मिल गई है। सच? आप एक काम कीजिए, आप ये खबर जल्दी से काका को दे दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे वो। हेलो हेलो बाबा, आप सुन रहे हैं ना? हम रास्ते में राधा को लेकर आ रहे हैं। मृत्युंजय,
बेटा हम आपकी बात सुन रहे हैं। हमें भी एक खबर देनी है आपको। यहाँ एक बुरी खबर है बेटा। यहाँ रघु का काम। अब आप बताइए बेटा, रघु का काम अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। क्या? कैसे? हमें भी पता नहीं बेटा, बस खबर मिली और दौड़े चले आए। रखता क्या हुआ मृत्युंजय? बाबा क्या कहना चाह रहे थे? सब ठीक तो है ना? बोलो ना। हाँ सब ठीक है। वो बस बता रहे थे कि हाँ सब हमारे लिए परेशान है। पर उन्होंने तो कहा था कि कोई बुरी खबर है और फिर बाबा का नाम लिया। वो ये कह रहे थे कि काका ने बाबा को बताया कि पुलिस हमारी तलाश कर। चलो अभी समय नहीं हमारे पास, मैं यहां से निकलना है। गाड़ी में बैठो। सब कुछ ठीक है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो बस टहनी फंस गई थी तो गाड़ी ठीक से चलेगी। बैठो अंदर, चलते हैं। चार पंचर हुए हैं। तेरी तो लॉटरी लग गई। अरे तो लगा ना, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, नजर उतारूं क्या? हे भाई जरा फटाफट कर। किस्मत में ही चार पांच पंचर हुए हुए हैं। नहीं कलावती नहीं, तो अपनी किस्मत को नहीं कोसेगी? पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसा लगता है कि अगर आज कुछ और भी भगवान से मांगती ना तो वो भी मिल जाता, क्योंकि मैं बस यही चाह रही थी कि मैं कैसे तैसे बस अपने मीर तक पहुंच जाऊं। मीर? जी, मैं मृत्युंजय को मीर बुलाती हूँ। शायर है ना जनाब? आज बाबा ना मुझसे बहुत नाराज होने वाले हैं। उन्होंने मुझे कितना मना किया था रैली में नहीं जाने से, पर बाबा भी क्या कर सकते हैं, पिता है ना, फिक्र तो होगी ही। आज तो बहुत मजा आया। क्या हुआ? तुम बहुत चुप चुप लग रहे हो। कुछ नहीं, बस थक गया हूं। तारा प्लीज बैग में से शॉल देना। बताऊं तुम्हें ये
जिनसे मिलने के लिए तू इतनी बेचैन हो रही है मुफल, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे बताऊं तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ। जी, गाड़ी एकदम फिट हो गई, चक्का एकदम फर्स्ट क्लास। पैसे दो। अरे निकाल ना। Keep the change। अरे चलो बैठो गाड़ी में, निमंत्रण दूं क्या? वो साहब, गाड़ी में कोई गड़बड़ी है क्या? इंजन चेक कर दूं? ये तो हमारे घर की गाड़ी का नंबर प्लेट है, यहां कैसे? जी वो एक गाड़ी आई थी बनने के लिए, उसका ही नंबर प्लेट टूटकर गिर गया यहाँ पे। गाड़ी हमने दुरुस्त की है। एक लड़का और एक लड़की आए थे गाड़ी लेकर के, कार खराब हो गई और उन्हें रामनगर जल्दी पहुंचना था, सो गाड़ी यहीं छोड़कर चले गए। और जब वो वापस आए तो उनके साथ एक लड़की और थी। वो क्या है जी कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया उनसे। कहाँ गए हैं तीनों? किस तरफ गए? भोपाल जाने वाले रास्ते पे गए। ये नंबर प्लेट संभाल के रखना। अरे नंबर ले लो इसका, आगे जरूरत पड़ गई तो। जी दीदी साहब। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। सुस्त रस्ते से तुम पहुंचो, तेज रस्ते से मैं आती हूं तुम्हारा सामना करने के लिए। नंबर ले लिए दीदी साहब। लगता है भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। जान बख्श रही हो तुम्हारी। चलो बैठो गाड़ी में। दीदी साहिब, अगर हम गलत नहीं है तो ये रास्ता भोपाल नहीं जाता। ना ना, मैं तो तुम्हें कंपनी गार्डन घुमाने ले जा रही हूं। तुझे क्या लगा उनका पीछा करूंगी? चूहे बिल्ली का खेल है ये। अरे शेरनी शिकार पे निकली है, कलावती कभी भी पीछे से नहीं सामने से अपने दुश्मन की गर्दन दबोचती है। इस रास्ते पे हम जा रहे हैं ना, इसे हिंदी में शॉर्टकट कहते हैं। मुझे माफ कर दो। क्यों? वो तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो और इस भागा दौड़ी में हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। तुमने भी नहीं बताया ये कौन है।
लगता है रास्ता आगे बंद है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? कुछ काम चल रहा है, उससे पूछते हैं। भाई साहब, भोपाल के लिए कोई और रास्ता है यहां से? इस तरफ? शुक्रिया। भोपाल का रास्ता इस तरफ? और कोई रास्ता दिख भी तो नहीं रहा, इसी रास्ते से ले लो ना। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए भगवान ने आज प्रसन्न होकर मेरा शिकार मेरी झोली में डाल दिया।